लतीफ, लतीफ, पता नहीं कहां मर गया। जी हम यहां हमारे पैसों के लिए आए हैं। कौन से पैसे? वो गोल्ड चेन, परफ्यूम्स, वो इंपोर्टेड कार। लेकिन उसके पैसे तो मैंने आप लोगों को भिजवा दिए। माफ करें, लेकिन जो कार्ड आपने भिजवाए थे वो कोई भी काम नहीं कर रहे। काम नहीं कर रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? अब हम आपको कैसे बताएं? हमें तो बस इतना पता है कि आपका दिया हुआ एक भी कार्ड चल नहीं रहा है, और हमें तो हमारे पूरे पैसे चाहिए। देखिए बेगम साहिबा, आप बड़े लोग हैं, आपके लिए छोटी मोटी रकम होगी, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी रकम है। अरे कमबख्तो, तुम लोगों को पता भी है कि तुम लोग किससे बात कर रहे हो? अरे ये वो है, वो आफते जान। हाँ, आफते। बेगम साहिबा है, बेगम साहिबा। कहाँ की? भोपाल की। और कहाँ की? अरे तुम लोगों को पता भी है कि ये भोपाल की बेगम साहिबा है। इनका कारण काम ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोग यहीं रुको, मैं पैसे लेकर आती हूँ। ये सब आहिल जी का काम है। मेरी इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी उनको सुकून नहीं मिला, उनकी वजह से सबके सामने इस बेगम साहिबा की इज्जत उछलेगी। क्या मैं आपका गिटार यूज कर सकता हूं? प्लीज अलाउ मी। थैंक यू। व्हाई डोंट यू जॉइन मी? पहचाना नहीं जाना, मैं कोई अनजाना नहीं, आशिक हूं मैं तेरे नाम का, दीवाना हूं मैं दीवाना नहीं। तूने मुझे जाना नहीं, जाना मैं कोई अनजाना नहीं, आशिक हूं मैं तेरे नाम का, दीवाना हूं मैं दीवाना नहीं। खाला यहाँ, मैंने आपको पिछली ईद पे दो सलवार सूट के पैसे दिए थे जो आपने अभी तक मुझे लौटाए नहीं। अगर वो लौटा देती तो अच्छा होता। क्यों? मैंने भी तो तुम्हारे हाथ पे मेहंदी लगाई थी, हैं? तो हिसाब बराबर। अरे वो तो सिर्फ एक हाथ में लगाई थी बस। हाँ, तुमने अपना एक हाथ देखा है? 10 हाथों के बराबर है। उसके हिसाब से तो मैंने तुम्हें कितनी सारी मेहंदी लगाई। निकाल पैसे, निकाल। देखो मेरे फिगर को नजर मत लगाओ, समझी ना? अच्छा, और तुम ना मेरे मियां पर नजर मत लगाओ, मैं मारूंगी ना तुम्हें। अल्लाह, आलू है जो मेरे फिगर पे ड्योरे डालती रहती है। अरे छुट्टे। अरे देखिए आंटी, अल्लाह, आप अपना झगड़ा बाद में करते रहना, प्लीज हमें हमारे पैसे दिलवा दीजिए। क्या पैसे 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 कर रहे हो?
इतनी सी बात के लिए घर तक पहुंच गए? अरे इतने से पैसे तो हमारी बेगम से खैरात में बांट दे। वैसे किसके लिए लिए थे पैसे बेगम साहिबा ने? खाला जरा रूम में आना, वो इतने सारे पैसे गिने नहीं जा रहे, जरा आके मेरी मदद कराओ। आ रही हूँ। वो कमबख्त मारा आकर देखती हूँ तुझे मैं। जी बेगम साहिबा, ये सब लोग बाहर आके खड़े हुए हैं और मैं एक बहुत जरूरी काम छोड़ कर आई, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। हाँ? पैसे? कैसे पैसे? नहीं, मेरा मतलब है इतने पैसे मेरे पास कहाँ से आए? मैं इनकी पूरी कीमत नहीं मांगी, सिर्फ थोड़े से पैसे मांग रही हूँ ताकि मैं इन लोगों का मुंह बंद करा सकूँ और ये लोग यहाँ से जा सके। मेरे पास तो जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है। जहर खाने के लिए मैं तुम्हें पैसे देती हूँ या मैं मुफ्त में खिला दूंगी तुम्हें जहर? इसे रहने दीजिए। थैंक यू जन्नत। किसी का यूज किया हुआ टिश्यू है यार। ये किसी का यूज किया हुआ टिश्यू नहीं है, किसी की मोहब्बत का पैगाम है। ये देखिए कैसे एक ही नाम को बार बार लिखा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे ये शख्स अपनी मोहब्बत को पहचानने की, उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। बहुत कम लोग होते हैं शायद ऐसे जिनकी मोहब्बत से किसी और के दिल में कसक पैदा हो। ऐसी चीजों को तो संभाल के रखना चाहिए। क्या हुआ? देखिए बहुत अजीब हरकतें करती हो ना, जानती हूँ मैं, ऐसी हूँ मैं। आप जैसी भी हैं, मेरी हैं। Excuse me, you want to make a sketch for 500 rupees? No, thanks. Excuse me. Hi. My name's Shah. That's my wife, Jannat. इनका एक स्केच आप बना सकते हैं इनका? क्या यू जोक है? क्या यू जोक है? How can you say this? Excuse me. Please go, man. Listen to me. आज सुबह this morning when I came to you, आपसे sketch बनवाने के लिए बोला था। I asked you for that sketch, yeah, of my wife. आपने ना क्यों बोला? Why? तुम्हें क्या लगा थे? मैं पागल हूँ? दो आदमी एक साथ, एक ही woman. लेकिन वो मेरी बीवी है। She's my wife. कोई हमें यहाँ जानता भी नहीं है। What are you talking about? So you don't believe me? I will show you.